सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। बोलने से पहले सोचना जरूरी है क्योंकि बोले हुए शब्द सिर्फ माप किए जा सकते हैं, भूले नहीं जा सकते। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज का पंचांग 26 मार्च 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात्रि 8:01 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2:46 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:30 से 11:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मीन राशि 26 मार्च 2022 दिन शनिवार, आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। आज के दिन आपके लिए काफी संतोषजनक रहेगा और आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में सफलता प्राप्त करने से हर्ष, आज मेहनत करने से पीछे न हटे। निकट भविष्य में स्थिति ज्यादा अनुकूल बनने वाली है, इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। मेडिकल एवं प्रयोगशालाओं के काम से जुड़े व्यापारियों पर काम का काफी दबाव रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम चलता रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि का दिन भी रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है, लेकिन आपका अपने सालों से कोई वाद विवाद भी खड़ा हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई हर्षवर्धक समाधान समाचार सुनने को मिल सकता है क्योंकि उनको विदेश से कोई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। सावधानियां, आज का दिन व्यापार के लिए इधर उधर भटक रहे लोगों के लिए प्रसन्नता दायक भी रह सकता है। आपको दूसरों से सहयोग लेने से आपको सफलता मिलेगी। यदि किसी से धन का निवेश करने के लिए कहेंगे तो वह आपको कोई गलत सलाह भी दे सकते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान है और व्यथित हो सकता है। अपने साथी को समझाएं कि ये आवेग अतीत की कुछ भावनाओं के कारण था जो अनसुलझे रह गई थी। अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों में नीला रंग पहने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अगर वे अनियंत्रित रहे तो उसकी तीव्रता को कम करने की भी कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। आप इस समय शांति में नहीं हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और अपनी मन को शांत करने के लिए कुछ करें। अपने आप को एक नई जिम्मेदारी सौंपें। अगर आप बिना सोच खर्च करेंगे तो आपको वित्तीय परेशानी भी हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में एक नीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी वह सफलता हासिल कर सकेंगे। आप धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाने की सोचेंगे। आपका पुराना काम रुका हुआ धन प्राप्त भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी साइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन
घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसा कि आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है, आप उससे हो रहे अफायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा भी मिलेगी। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।